देश भर में जहां बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं छोटी काशी मंडी में भी दशहरा पर्व को लेकर खासी धूम देखने को मिली। इस अवसर पर रामलीला आयोजन समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में मंडी शहर के आराध्य देव माधवराव ने विशेष रूप से शिरकत की। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की सेना और रावण की सेना के दृश्यों को देखकर लोग काफी रोमांचित हुए। वहीं ऐतिहासिक पटल मैदान में दशहरा पर्व के मौके पर लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। दशहरा पर्व के मौके पर डीसी मंडी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि दशहरा पर्व पर सामाजिक बुराइयों के प्रतीकात्मक रावण का भी दहन किया गया ताकि देश और समाज को सामाजिक बुराइयों से मुक्त किया जा सके। आज जो है वो दशहरा है और दशहरा के आयोजन में यहाँ पर जो है नगर परिषद मंडी द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन छोटे पटल में किया जा रहा है। कुछ ही समय में जैसे थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो रावण दहन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही हमने इस बार जो हमारे समाज में आज के दिन में जो बुराइयाँ हैं उसके लिए एक अलग से रावण यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। ये एक सिंबॉलिक है जिसमें कि हम पूरा त्यौहार है वो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के दर्शाता है। तो जो आज के ज़माने की बुराई है वो यहाँ पर एक रावण के रूप में दर्शाई गई है, उसको भी साथ में जलाया जाएगा। और मैसेज ये दिए हम सब तो देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे कन्या भ्रूण हत्या है या इस तरह की जो और भी समाज में जो ठीक चीज़ें नहीं हैं उसके ऊपर हम जो है उसके विजयी होकर हम आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।